हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ मधु। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी थॉट्स की नेगेटिविटी के बारे में, जो हमें हमारे विशेष को मैनिफेस्ट करने से रोकती है। अगर आप अपनी किसी भी विश को लेकर पॉजिटिव रहना चाहते हैं, ताकि आप अपनी विशेष को मैनिफेस्ट कर पाएँ, और बीच में नेगेटिविटी आ जाती है तो ये एक प्रॉब्लम होती है। एंड सेकेंडली, जो हम लोग नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं, नेगेटिव एफर्मेशंस खुद को ही देते रहते हैं, मजाक में भी, कभी कभी मजाक में, कभी यूं ही, मतलब बातों बातों में वो निकल जाता है। कई बार अगर ये शब्द, ये स्टेटमेंट्स आपके रेगुलर आ रहे हैं तो ये आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस सिचुएशन में क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया है अपनी लास्ट वीडियो में, कि जब आप नेगेटिविटी, नेगेटिव शब्द, नेगेटिव एफर्मेशंस आपकी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है, आपकी उन थॉट्स को जिसे आप एक्चुअली अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो किस तरह से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस सिचुएशन से निकलना है। फर्स्ट थिंग, कि अगर हम लोगों ने कोई नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव सेंटेंसेस कहे हैं किसी भी वजह से, एंड वी नो, वी आर अवेयर कि हम गलत कह रहे हैं, तो वहाँ उस टाइम पे क्या करना है? सिंपली चैंट अ स्विच वर्ड कैंसिल। स्विच वर्ड क्या होता है ना, एक वन लाइन एफर्मेशन का एक छोटा सा वर्ड होता है, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड के सही जगह पे जाकर उसको हिट करता है, उसको स्विच करता है, और आपकी उस पैटर्न, थॉट पैटर्न को चेंज करता है। तो यहाँ जब हम लोग कोई नेगेटिव बातें कर रहे हैं, एंड वी आर लाइक कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, कहीं एप्लीकेबल ना हो जाए। जिनको नहीं पता उनको तो नहीं पता है, बट अब तो आपको पता है। अब तो मैंने आपको बता दिया है कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे आपकी अपनी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी आप मजाक में ही सही या फिर गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं, तुरंत चैंट करना स्टार्ट कर दे, कैंसिल 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 कैंसिल, 1 से 2 मिनट तक इसे कंटिन्यूसली ज़रूर चैंट करें, ताकि ये थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये कैंसिल जो है मैसेज भेजेगा कि दिस थॉट इज़ क्लियर नाउ। ये क्लियर कर दिया जाएगा, इस थॉट को आपके माइंड से इरेज कर दिया जाएगा। अगर आप परेशान हैं नेगेटिविटी से, लाइक आपके दिमाग में, आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहे, नेगेटिव थॉट्स आपको हमेशा ही हॉन्ट करते रहते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, घोस्ट की तरह आपके पीछे पड़े रहते हैं, उस केस में आप जब सुबह उठते हैं तो उसी टाइम चैंट करना स्टार्ट कर दें, पोस्टपोन कैंसिल या फिर पर्ज कैंसिल, कोई भी एक स्विच फ्रेज का आप यूज़ कर सकते हैं, सॉरी स्विच पेयर, जब दो स्विच वर्ड मिलते हैं दैट इज़ अ स्विच पेयर। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक स्विच पेयर को आप यूज़ कर सकते हैं, एंड कीप ऑन चैंटिंग। सुबह में करीब 5-6 बार आप चैंट एटलीस्ट कर लें, एंड देन 2-3 घंटे बाद फिर से चैंट करने लगे। इससे क्या होगा ना, आपकी वो जो नेगेटिव थॉट्स है वो पोस्टपोन होती जाती है, कि ठीक है अभी मत आओ, बाद में आना, ठीक है फिर हम लोग 2-3-4 घंटे बाद फिर उसको चैंट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं अभी मत आओ, फिर बाद में आना। तो 2-3 घंटे बाद भी अगर लाइक आप अभी किसी थॉट से परेशान हो, सुबह आपने, पहले तो आप उठते हो बिल्कुल फ्रेश रहते हो, राइट, उस टाइम आपने खुद को चैंट करके कहा कि आई डो नॉट वॉन्ट एनी नेगेटिव थॉट्स, जस्ट पोस्टपोन इट। उसके बाद अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट फिर से आ रही है, स्टार्ट चैंटिंग, पोस्टपोन कैंसिल, पोस्टपोन कैंसिल, या फिर पर्च कैंसिल, पर्च कैंसिल, एनी वन, कोई भी एक स्विच पेयर आप चूज कर सकते हैं जो आपको प्रोनाउंस करने में ज़्यादा ईजी हो। दोनों इस प्रोसीजर को आप नेक्स्ट 30 डेज तक कंटिन्यू चैंट करते रहें, इसी तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करें। इससे होगा क्या कि कोई भी चीज़ को हैबिट बनने में ना 21 डेज का टाइम लगता है, ये साइंटिफिक बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। 21 डेज अगर आप किसी भी चीज़ को रेगुलरली फॉलो करते हो, इट बिकम्स योर हैबिट। तो ये नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल करने की जो हम लोग कमांड दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार स्विच वर्ड की हेल्प से, स्विच पेयर की हेल्प से, तो देर विल बी अ टाइम जब 21 डेज तक आपका जो माइंड है वो हैबिचुएटेड हो जाएगा कि नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना है, क्लियर कर देना है। तो 21 डेज की जगह मैं आपको 30 डेज कह रही हूँ टू डू दिट द मैक्सिमम टाइम, कि हम लोग एक वीक ज़्यादा ही कर लेते हैं, कम नहीं कर रहे हैं। कई बार 21 डेज के बाद ही आप फील करने लगेंगे दैट नेगेटिव थॉट्स अब आपको नहीं आते हैं, आप उसके बाद भी स्टॉप कर सकते हैं, बट मिनिमम 21 डेज आपको ये काम करना है। इसके बाद मैंने आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया है, आप इस अगर हैबिट को अपनी लाइफ में अपना लें, ग्रैटिट्यूड को अपना एटीट्यूड बना लें, तो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी खुद दूर होने लगेगी। मैं कुछ दिन पहले कोई वीडियो देख रही थी, उसके कमेंट में मैंने किसी को देखा कि शी वॉज रियली अपसेट कि मेरे पास 2 टाइम खाने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में मैं पॉजिटिव कैसे रहूं। देर इज़ अ टाइम जब आपके इतने ज़्यादा आप अपसेट हो दैट यू फील लाइक कि मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं कि मैं पॉजिटिव रहूं, मैं थैंकफुल रहूं, बट यू फॉरगेट कि उस वो जो कमेंट कर रही वो भी, उसके पास एक स्मार्टफोन है तब तो वो कमेंट कर पा रही, कितनों के पास वो नहीं है।
हम अपने दुख में अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं, इसी कारण अपने दुखों को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं कि एक तो दिमाग में भी नेगेटिविटी भर देते हैं हमारे वो दुख, और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में उसको और अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आप कभी इत्मीनान से बाहर बैठिए शाम को, रात में, लाइक जब आपको कंफर्टेबल लगे कि आप आराम से इत्मीनान से एक जगह पे बैठ सकते हैं, खड़े होइए चाहे घूमिए, बट बाहर में जहाँ आप क्लोज टू नेचर हो, अपने टेरेस में, अपने आंगन में, अपनी बालकनी में, कहीं पर भी खड़े होकर आसमान की तरफ आप देखें एंड अपनी ग्रैटिट्यूड उनको दें। लाइक कोई भी छोटी से छोटी चीज़, थैंक यू मेरे पास एक घर है रहने के लिए, अगर चीज़ों के लिए थैंकफुल होना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को खुद अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि आपका जो थॉट पैटर्न है ना वो बिल्कुल चेंज होने लगेगा। आप पॉजिटिव कदर होते जाओगे कि शायद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आप काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन, जो एक सॉन्ग था, एक कैरल था जो मैंने अपने स्कूल में सीखा था, तब नहीं पता था, बट आज ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में मुझे ये पता है, वो था ना काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन, एंड इट विल सरप्राइज यू हाउ द लॉर्ड हैज डन। इस फ्रेज को अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, इसे समझें, इस एक सॉन्ग को अगर आप समझें कि आप जब गिनने लगेंगे अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स को, तो नेगेटिविटी की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में कितना कुछ है। चलिए जल्दी से एक कॉपी पेन लीजिए, एक डायरी पेन लीजिए एंड नोट डाउन वो 10 चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हैं, जिसको जिससे आपको खुशी मिलती है, किसी भी तरह की वो चीज़ हो सकती है, एक छोटा सा बल्ब हो सकता है, वो एक छोटा सा पेन हो सकता है जिससे अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो आप लिख पा रहे हैं, वो आपकी किताबें हो सकती हैं, अगर आप खाना बनाने के शौकीन हो तो आपका एक प्यारा सा चूल्हा हो सकता है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, आपको छोटा सा किचन, बड़ा सा किचन, जो भी है यार, एक फीमेल की तरह मैं जो समझा बता सकती हूँ बता रही हूँ, जो भी है आपकी लाइफ में, एटलीस्ट 10 चीज़ की लिस्ट बनाओ, डेली फॉलो करो, डेली ऐसी 10 चीज़ की लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को आप बढ़ाते जाओ, उन 10 चीज़ों में और याद आता है उसे और जोड़ो, नहीं लिख सकते हो डेली पढ़ो, बाहर जाओ, बाहर खड़े होकर नेचर से बातें करो, आप बिल्कुल अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की मोड को लाइए, बी इन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, नेगेटिविटी खुद ही दूर होने लगेगी, एंड साथ में मेरे दिए हुए स्विच पेयर्स को भी आप चैंट करिए एंड जस्ट सी द चेंज यू आफ्टर 1 month। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा सके हो और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाए हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आप अपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा सकोगे, और अगर आपके मुंह से कुछ नेगेटिव निकलता है तो आप उसको भी क्लियर करना नहीं भूलोगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन दिस इज मधु साइनिंग आउट, बाय, नमस्ते।